राशि बेटा, तुम जब चाहो मम्मी अश्विन चिराग दीप्ति किसी से भी बात कर सकती हो, उन्हें मिल सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें भी पुरानी बातें भूलकर मूव ऑन करना चाहिए। तुम एक इंटेलिजेंट लड़की हो, आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू एंड ट्रस्ट यू। तुम्हें जहां जाना हो, जैसे अपनी लाइफ जीनी हो, यू आर फ्री टू डू सो। अगर मुझे कहीं लगा तो मैं तुम्हें गाइड करूंगा, और जरूरत पड़े तो रोकूंगा भी। गलतियां करो, खूब सारी करो, पर हर गलती से कुछ ना कुछ सीखो, उसे रिपीट मत करो बस। राइट? देखो बेटा, अभी हम एक दूसरे को जानने समझने लगे हैं। तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल, प्लीज फील फ्री टू आस्क। बातचीत करने से हर प्रॉब्लम का हल निकल सकता है बेटा। पहले मैं खुश और हो जाऊं, फिर उस वीडियो के बारे में बात करूंगी। श्योर। सॉरी पापा, अब से आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। बस एक बार आप ठीक हो जाइए, आप कहेंगे जिंदगी भर चिराग से नहीं मिलूंगी, पर एक बार आप ठीक हो जाइए प्लीज। पेशेंट को आराम करने दीजिए। चलिए मैडम। पुष्पा जी, पापोदरा जी कैसे हैं आप? आईसीयू में 24 घंटे और रखेंगे। वैसे अच्छा हुआ सर आप मिल गए, मुझे आपसे बात करनी है। बोलिए ना। राशि को डायरी लिखने का आइडिया आप ही ने दिया था। हाँ, क्यों? उसकी डायरी पढ़ी मैंने। राशि को पता है? पता है, पर क्या आपको पता है कि राशि क्यों अपने डैड के पास रहने चली गई है? पता चला मुझे। पन्ने भर भर के लिखा है उसने डायरी में अपने बाप के बारे में। इसका मतलब फिलहाल राशि के मन में दिलीप जी को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, जो शायद वो किसी के साथ बांट नहीं सकती, इसलिए उसने ये सारी बातें अपनी डायरी में लिखी। लेकिन आपको इस तरह से उसकी डायरी पढ़नी नहीं चाहिए थी पुष्पा जी। मैंने जानबूझकर नहीं पढ़ी सर। पेन निकालने के लिए बैग खोला तो मेरे हाथ लग गए। तो वही वापस रख देनी चाहिए थी, डायरी पढ़नी नहीं चाहिए थी पुष्पा जी। पुष्पा जी, ये सब उसकी निजी बातें हैं, वो छोटी है लेकिन उसे भी तो एक पर्सनल स्पेस चाहिए, जहां वो दिल खोल के एक्सप्रेस कर सके। क्या होता है कि इस उम्र में शायद किसी के साथ इतनी गहरी दोस्ती नहीं होती, इसलिए उस दोस्त की कमी पूरी करने के लिए मैंने राशि को डायरी लिखने का सुझाव दिया था। अगर हम दिल खोल के बात को एक्सप्रेस नहीं करें तो इंसान मन ही मन में खोज सकता है। हमें तो कभी भी किसी ने ऐसा सुझाव नहीं दिया, सब
मन की मन में रखने की सलाह देते रहे। आज के दौर का यही तो बदलाव है पुष्पा जी। आपने जो घुटन महसूस की, अगर वो राशि महसूस करे तो इसमें समाज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, प्रोग्रेस कहां से हुई बताइए। बिलीव मी पुष्पा जी, अगर वो डायरी ना होती तो राशि अपने डैड के पास कब की चली गई होती, क्योंकि उसकी जान बसती है उनमें, उसके खोए हुए बचपन में। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आपकी बात सही है सर। वो बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो महसूस नहीं करती। और मैं भी कब तक रोकती हूं उसे, एक ना एक दिन तो बांध टूट नहीं था। अरे वाह, आपको कैसे पता कि मैं आपके घर आने वाली थी? और मुझे पुष्पा स्पेशल चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। अबे मैं क्या बोलूं सावरे, पिछले कुछ दिनों से ना मुझे भविष्य में होने वाली चीजें दिखने लगी। सच्ची? तेरा मुंह देख, मजाक करूं चुरे? दरअसल क्या है ना, ये स्कूल के बाद का जो टाइम होता है ना, वो मेरी और राशि की चाय पे चीयर्स का टाइम होता है। चीयर्स टाइम मम्मी, आज हमारी चाय मैंने बनाई। चाय है पर राशि नहीं है। अरे वो रहे, गरम गरम नाश्ता बनाती हूँ, चलो। अरे उठकर करना भी क्या है, सोना दे थोड़ी देर। अरे करना क्या है, मेरी हेल्प करना, मेरी भी तो छुट्टी है, मुझे भी तो फील हो वेकेशन जैसा। तू भी ऐसी में सो जा, मस्त वेकेशन वाली फील आएगी। और एक दिन लेट उठ जाएगी तो दुनिया रुक नहीं जाएगी। ये ले जल्दी से खा। अरे आइसक्रीम किस खुशी में? आइसक्रीम के लिए कोई बहाना थोड़ी चाहिए, जल्दी पकड़। हाँ, वो तो है, वो तो है। हमारे वहां आंटी राशि बगल में ही तो है, मैं दे आऊं? नहीं, मैं दूंगी। आप जाएंगी दिलीप अंकल के घर? तो भी बाहर से बुलाऊंगी। ओके। चाय ला रही थी, मुझे पता है तो ये चाय नहीं पिएगी, डैड के घर की है। लेकिन बनाई तो तूने है ना, मेरी बेटी ने मेरे लिए चाय बनाई, ये सबसे बड़ी बात है। ये दोनों चाय मैं पीऊंगी और असावरे जो मैंने बनाई उसमें से एक चाय तू पी और एक रास्ते को। एक नंबर से ऊपर कुछ होता है? बिल्कुल नहीं।
हे जूनिया, अच्छे से देख ले, माँ बच्चे का प्यार ऐसे ही होता है। दिन में एक बार देख लेती हूँ मैं तुझे। हाँ सोचा, 150 लोगों का बरसों तक हो जाएगा। अरे मैं बोल रही हूँ ना, हो जाएगा, लोग याद रखेंगे। तुम्हें जरा चिंता ना करता कलावती बहन, मैं ना बैंक अकाउंट नंबर भेजती हूँ आपको, आप बस 20,000 एडवांस डाल दो उसमें। जी अम्बे। पुष्पा आंटी, अभी दीप्ति, अश्विन और चिराग सब कमाने लगे हैं ना, तो इतना बड़ा ऑर्डर लेने की क्या जरूरत है? दीपुड़ी का बर्थडे है, उसे एक ड्रेस देनी है गिफ्ट में मस्त वाली। नजर न लागे बापा, ए घूम के दिखा जो सुंदर। मां मैं सोच रही हूँ बर्थडे के दिन ये पटोड़ा पहनो, ये लो, और यहाँ तेरी सास तुझे बर्थडे ड्रेस गिफ्ट करने के चक्कर में ना 150 लोगों के खाने का ऑर्डर लेके बैठी है। हाँ हमने बोला भी कि अब क्या जरूरत है, पर ये माने तो ना। जरूरत हो या ना हो, खाना एक का हो या 150 लोगों का, माँ का खाना बनाने का काम जारी ही रहेगा। काकू देखा देखा आपने आजकल की बहू को, सास को ना सास लेने नहीं देती। आशावरी, माँ के लिए वो सिर्फ एक काम नहीं है, इनके लिए वो पैशन है, कला है। कितने दिल से खाना बनाती है माँ। सही कहा तूने दीप्ति, सही कहा। जब तक हो सके काम करो, मरते दम तक, वरना एक बार ये मशीन बंद पड़ गया तो जंग लगने में देर नहीं लगती। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.